मैं भी गाइस इधर देख लो मुझे भी अपने एनिवर्सरी की खुद ही तैयारी करता हो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू व्लॉग्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं तो बीमार हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, कल मेरे को मतलब पहले भी हो गया था कोल्ड, पर बीच में ठीक हो गया, अब फिर से दोबारा वही कोल्ड हो गया, रात को फीवर भी आ गया और इतना ज़्यादा सर में दर्द है। और आज काजल और जीजू की एनिवर्सरी भी है, मैं धूप सेक रहा हूँ उधर, धूप भी आज बहुत अच्छी निकली हुई है। फ़ोन ना गिर जाए, हमेशा की तरह नीचे फ़ोन ना गिर जाए, नहीं मैंने टाइट से पकड़ा, नहीं गिरेगा। तो मैं देख लेता हूँ, नहाऊँगा तो नहीं, कपड़े चेंज कर लेता हूँ, जुकाम होगा मतलब उसके साथ खांसी फ्री में मिल जाती है। चलो देखता हूँ उनके लिए मतलब कुछ कर पाऊँगा या नहीं, मतलब सोचा था मैंने घर पे कुछ थोड़ी सी डेकोरेशन टाइप में कुछ करके जी जो ऑफिस से आएंगे उससे पहले कर दूँगा, पर पता नहीं अब कर भी पाऊँगा या नहीं, पहले आराम कर लेता हूँ उसके बाद सोचता हूँ कुछ। चलो गाइस मिलता हूँ आपसे बाद में। ऐसा कोई बंदा है जो अपने एनिवर्सरी की खुद ही तैयारी करता हो? भूमि को साथ में लगा के और अपने मतलब जीजू को सरप्राइज देने के लिए बेचारी खुद ही मेहनत कर रही है, वो अब अपनी एनिवर्सरी पे बेचारी खुद ही मेहनत कर रही है, मतलब मैं भी कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो उस चक्कर में अभी इससे करवा रहा हूँ मैं काम। उधर नीचे देख लो अभी बैलून पड़े हुए हैं, अभी डेकोरेशन करूँगा मैं क्योंकि मेरे से हो नहीं थी, इसलिए इससे थोड़ी सी हेल्प ली है मैंने, कोई ना इसकी एनिवर्सरी तो क्या है। हाँ भाई कुछ कहोगे दो शब्द, कैसा लग रहा है अपनी एनिवर्सरी पे खुद ही तैयारी करके? बहुत अच्छा, और बार तो ये होता था तैयार होके हम बाहर जा रहे हैं, इस बार देखो घर पे गुब्बारे फुला रही है अलग एक्सपीरियंस है। हाँ तो गाइस किसी को भी अपने घर में शादी बर्थडे पार्टी या फिर किसी भी चीज की बुकिंग करनी हो तो आप लोग काजल से टाइप कर सकते हो, ये देख लो आप। कैसी शक्ल हो रही है मेरी, बीमार हो गया हूँ मैं, ये देखो ये सारे बैलून काजल ने ही फुलाए, अभी लग रही है देखो। तो किसी को कोई भी तैयारी करवानी हो, इतना टैलेंटेड बंदा है कि खुद की एनिवर्सरी है और अपनी एनिवर्सरी पे खुद ही तैयारी कर रही है, मतलब मैं करता है तैयारी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने इससे थोड़ी सी हेल्प मांगी है, बाकी डेकोरेशन मैं ही करूँगा, तो देखते हैं कैसी लगती है, जब डेकोरेशन हो जाएगी उसके बाद दिखाऊँगा मैं आप लोगों को कि कैसी किया मैंने, कोशिश करूँगा अच्छी करके। तो मूड ठीक है ना, जुकाम की वजह से ना बहुत बुरा हाल हो पड़ा, रात को फीवर भी आ गया था मुझे, और इधर है भूमि। हाँ भाई टेलू आप भी वेट कर रहे हो पापा का, नोजी आ रही है इसकी। तो गाइस आप लोग शाम का व्यू देख लो कितना प्यारा आ रहा है। हे गाइस तो अभी मैंने घर पे ही डेकोरेशन की है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये काजल वीडियो कॉल पे दीदी को दिखा रही है, कल हटना साइड में हटना, ये देखो मैंने किए, मेरी तबीयत खराब थी फिर भी मैंने डेकोरेशन की इन लोगों के लिए, देखो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो ये मैंने डेकोरेशन की थी लेकिन इसके साथ हो गया पोपट, क्योंकि डेकोरेशन करनी थी जीजू के आने से पहले, लेकिन जीजू ने मुझे बोला था कि मैं 5 बजे आऊँगा, तो मैंने मतलब तबीयत खराब थी तो फिर मैंने लेट ही चालू किया डेकोरेशन करना, स्टार्ट किया लेट ही किया था वो, और जीजू ने उल्टा हमें सरप्राइज़ देने के लिए, उन्होंने बताया नहीं कि मैं वहाँ से मतलब 3 बजे निकल रहा हूँ ऑफिस से और वो 4 बजे घर पर आ गए, मतलब डेकोरेशन आधी हो गई थी, आधी रह गई थी, सारा कुछ नीचे ही पड़ा था, और उन्होंने उल्टा हमें सरप्राइज देने के चक्कर उन्होंने हमारा ही सरप्राइज खराब कर दिया, बट फिर भी उनको जितना मतलब मैंने किया था उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, वो मुझे पहले ले जाके बोल रहे थे
कि चलो कुछ ले आते हैं मार्केट से सामान, थोड़ा सा काजल को सरप्राइजिंग है। उन्होंने काजल पहले ही सरप्राइज प्लान कर रखा था उनके लिए, लेकिन अब फिर भी मैंने जितना मुझसे हुआ उतना मैंने कर दिया, पर उनको अच्छा लगा ये भी काफी ज्यादा। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। वैसे मेरा और कुछ प्लान था बट वो कर नहीं पाया मैं। चलो बस पहले मैं खा लेता हूँ खाना, मतलब सारे खाने खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर केक कटिंग करते हैं। पहले केक कटिंग, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। नहीं पहले खाना खाएंगे। चलो बस फिर मिलते हैं आपसे बाद में। अभी हम बताए थे जैसे घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी हम करेंगे पहले डिनर, उसके बाद करेंगे केक कटिंग। तो अभी भूमि गई थी, भूमि लेके आई है बाहर से खाना, खुश हो रही है। और ये बैठे काजल और जीजू, बर्थडे बॉय तो नहीं, मतलब एनिवर्सरी क्या बोलूं उनको, एनिवर्सरी कपल। हाँ ये बैठे एनिवर्सरी कपल। चलो खाना स्टार्ट करो। जो कि खाना लेके आई है बाहर से, क्योंकि आज हमारा बाहर का प्रोग्राम बना ही नहीं, तबीयत भी खराब हुई है। और जो पोपट हुआ आपको मैंने बता ही दिया कि हम पहले ही मतलब डेकोरेशन कर रहे थे, पहले ही हम उनको सरप्राइज दे, तो उन्होंने उल्टा हमें सरप्राइज दे दिया। उल्टा उन्होंने 5 बजे का बोला था कि जल्दी आऊँगा, मतलब 5 बजे आऊँगा, उल्टा वो 4 बजे घर वापस आ गए थे। तो उस चक्कर में हमारे सरप्राइज का भी पोपट हो गया, आधी डेकोरेशन मतलब आधी डेकोरेशन हुई थी, बाकी रह गई थी। चलो भाई जब केक कटिंग होती है फिर मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ वरना फिर ठंडा हो जाएगा। आवाज़ भी नहीं निकल रही यार मेरी। और इधर आओ, और ये है इधर आओ इधर आओ, अरे इतनी स्टाइल। और ये है मेरा बेटा, वहाँ देख ओ कितनी बदतमीज हो रही है, देख लो। चलो गाइस फिर मैं खा लेता हूँ खाना, उसके बाद मिलता हूँ। यो हैप्पी एनिवर्सरी भूमि, अपनी मम्मा को बोला आपने? नहीं बोला, बोला क्या भूमि का रहा है? भूमि ऐसे करो, ये भूमि काटेगी, भूमि को मारो, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। Thousand years later. तो गाइस हमारा म्यूजिक नहीं चल रहा था, मतलब नेट नहीं चल रहा था, उस चक्कर में देखो कितनी देर हो गई अभी तक कोई म्यूजिक नहीं चल रहा, तो इतनी देर से ऐसे ही बैठे हैं सारे, म्यूजिक का वेट कर रहे हैं, अभी तक भी नहीं चला कोई म्यूजिक, चक्कर में सारा रात हो जाएगी। Oh,
लाइट में क्या जुगाड़ लगाया है मस्त। इनका एंगल ही समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। मम्मा पापा मैं भी हो गया हूँ, मुझे भी ले लो, रोमांस से बाहर आ जाओ। हो क्या रहा है? और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तेरी नीक दे ना भूलूंगा मुख तेरा, तू मेहंदी ना लिख।
मेरे साथ तो वैसे ही हो रहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ भी नहीं। तो आज मैंने रात को व्लॉग एंड नहीं किया था, तो अभी आप ये व्लॉग एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।